हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो ला रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है 401, बीसीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला सब्जेक्ट 401 है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। 401 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे और पढ़ेंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे और एक चीज पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया और फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का डेट क्या है। ये सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए पहले हम लोग आज इस टॉपिक को डील करेंगे। पहले डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले हम लोग डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक। आज इन्हीं दो टॉपिक के बारे में हम आज के क्लास में, आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में इन्हीं दो टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक के बारे में अच्छे से अच्छे पढ़ेंगे और उसके बारे में और अच्छी से जानकारी लेंगे। ये क्या है और आखिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों लाया, क्या यूज है इसका, इस सारे बात की जानकारी के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर, एंड ऑपरेटिंग and operating system is a software that is a software operating system is a software that makes computer to work, that makes a computer to work। ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वर्क करवाता है, यानी कंप्यूटर को काम करवाता है। एक बात यहाँ आप लोग समझिएगा या आएगी, आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बोलने की ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज, आके ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कर, ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऐसा चीज है जो ऑपरेट होता है कोई चीज। ऑपरेटिंग सिस्टम का जनरली मीनिंग, ये ऑपरेटिंग का जनरली मीनिंग ये होता है जो किसी चीज को ऑपरेट करता हो, यानी अगर यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट करता है तो ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। उसी तरह ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर के अंदर के फंक्शन को ऑपरेट करता है, यानी जो आपका कंप्यूटर का अंदर का फंक्शन क्या हार्डवेयर है या मेमोरी है या आपका जो सिक्योरिटी है, ये सारा चीज जो अंदर का फंक्शन है ये सारे चीज को यूज करवाता है, यानी इस सारे चीज को जो ऑपरेट करवाता है उसी चीज को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। इस यहाँ से यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये सॉफ्टवेयर, ये तो पक्का हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि सॉफ्टवेयर तो दो
क्योंकि सॉफ्टवेयर का तो दो पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा पार्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आता है ये यहाँ कि उस दोनों सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इस दोनों सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब दिमाग आएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों नहीं कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहेंगे। तो ठीक है, तो इसका आंसर यह हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम को रन करवाता है, यानी कंप्यूटर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको चलाता है और उसको रन कराता है, यानी उसके मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से आपका कंप्यूटर सिस्टम चलता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर में जितना भी हार्डवेयर है या मेमोरी है या कोई भी पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, सारा पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अनुसार रन करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अनुसार चलता है, इसीलिए इसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और यहाँ दैट मेक्स अ कंप्यूटर टू वर्क, नेक्स्ट लाइन है दैट मेक्स अ कंप्यूटर टू वर्क, यानी ये कंप्यूटर को वर्क करवाता है, यानी ये कंप्यूटर को काम करवाता है, इसकी मदद से ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से हम लोग कंप्यूटर को वर्क करवाते हैं, यानी कंप्यूटर से काम करवाते हैं। जो भी कंप्यूटर से काम होता है, यानी कंप्यूटर से जो भी हम लोग काम करवाते हैं या इसकी मदद से जो भी काम होता है कंप्यूटर में, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हेल्प से होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम के ही मदद से वो सारा काम होता है। ठीक है, अब एक लाइन ये है, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, अब हम आ लोग आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज, अब इसको हम लोग डिफाइन, ये तो इंट्रो हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और क्या है, इसका क्या काम है, ये तो एक इंट्रो हो गया, छोटा सा एक इंट्रो है। अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन लिखते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं OS। ठीक है, OS का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। The OS provides an interface between the OS provides the interface between the OS provides the interface between the user and the computer hardware. The operating system provides the interface between the users and computer hardware. ठीक है, अब क्या हुआ, the OS यानी OS हम लोग बोले ऑपरेटिंग सिस्टम को OS लिखेंगे हम भी तो बोले, अब ये क्या है, OS provides the interface, अब इंटरफेस OS provides the interface, provides का मतलब तो जानते हैं देना, ठीक है वो देता है, अब इंटरफेस का मतलब क्या होता है, ये इंटरफेस है क्या है, इस इंटरफेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इंटरफेस का हिंदी मीनिंग यहाँ के अनुसार इंटरफेस का मतलब हम लोग समझेंगे कि ये जो है यूजर और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर और यूजर के बीच का एक पुल का काम, एक ब्रिज का काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, यानी उससे बातचीत करवाने में यूजर से कंप्यूटर के हार्डवेयर को
या कंप्यूटर के किसी पार्ट्स को यूजर से बातचीत करवाने में मदद कराता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही मदद से हम लोग क्या करता है, अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर से बातचीत करते हैं। यानी बातचीत करने का मतलब क्या हुआ, बात करना नहीं हुआ, बातचीत करने का मतलब वर्ड कैसे कर, ये वर्ड हम लोग जो करते हैं फ्रेंड का हार्डवेयर के मदद से जो वर्ड करते हैं कंप्यूटर में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से करते हैं। यानी दोनों के बीच का जो एक ब्रिज है, उस ब्रिज का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी इसी चीज को हम लोग इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। दूसरा है, इट ऑल्सो यूज द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर यूज द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये जो नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्यूटर का जो हार्डवेयर हुआ, कंप्यूटर का हार्डवेयर को तो यूज करवाता है, ये हम लोग जान लिए। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी इसी की मदद से यूज होता है। यानी जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम करने का मतलब, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या चीज, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं या क्या करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चले, यानी जो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से चल रहा है, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या हो, जैसे एमएस ऑफिस हुआ, टैली हुआ, या क्या कहते हैं आपका जो भी आप एमएस ऑफिस, टैली, एडोब रीडर, या आपको जो वीडियो कंप्रेसर का सॉफ्टवेयर हुआ, जो अदर सॉफ्टवेयर हुआ, जो भी अदर सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से जो सॉफ्टवेयर चलेगी, उस सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। एड फॉर एग्जांपल में तो हम लोग बता दें एमएस ऑफिस, एडोब रीडर, पीडीएफ रीडर, एडोब फोटोशॉप एटसेट्रा एटसेट्रा, जितना भी सॉफ्टवेयर आता है विंडोज छोड़ के, वो सारा सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आएगा। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ को यूज होता है, यहाँ इनपुट आउटपुट यूनिट हो गया, ये इनपुट आउटपुट यूनिट हो गया, आईओ यूनिट को इनपुट आउटपुट यूनिट कहते हैं, इधर आपका सीपीयू हो गया, यानी जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का वो हो गया, इधर प्रोग्राम्स हो गया, यानी जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो हो गया, इधर हो गया फाइल्स, मैनेजेस फाइल्स, ठीक है। ये सारा चीज जो है आपका, ये सारा चीज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। इसी ये जितना चार चीज है, इसी चार चीज से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इसी चार चीज को एनेबल करता है, इसी चार चीज को दौड़ाता है। यानी दौड़ाने का मतलब इसी चार चीज से काम होता है, मीन इसी चार चीज से हम लोग कंप्यूटर में वर्क करते हैं,
और कंप्यूटर को कंट्रोल्स करते हैं इसी चार चीज से, ठीक है। अब यहां आता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। थर्ड फंक्शन है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फंक्शन है आपका फाइल मैनेजमेंट। ये आपका चार फंक्शन है, ये आपका चार फंक्शन है जिस फंक्शन से हम लोग, और फिफ्थ फंक्शन है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक, यही पांच फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये पांच फंक्शन है जिस फंक्शन से, जिससे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पांच फंक्शन से काम करता है। पहला फंक्शन होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट कहने का अर्थ हुआ कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर वो कैसे रन करेगा या वो कैसे चलेगा, उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है। प्रोसेस कहने मतलब जो कंप्यूटर के अंदर काम होता है, जैसे हम लोग इनपुट डाले वो प्रोसेस करता है, और जो आउटपुट डालता है, इनपुट डालने के बाद कहाँ कहाँ डाटा जाता है, उस डाटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है, और फिर वो जो आउटपुट देता है प्रोसेस करने के बाद, वो सारे चीज को मैनेज करता है आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है। अब आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट किस चीज को मैनेज करता है? मेमोरी मैनेजमेंट आपका रैम, रोम और हार्ड डिस्क, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। प्राइमरी मेमोरी कैसे काम करेगा, या प्राइमरी मेमोरी मींस क्या, मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी आपका कैसे काम करेगा, वो कैसे काम, क्या क्या काम, जब हम लोग डाटा डालेंगे वो कहाँ जाएगा, वो पहले मेन मेमोरी में जाएगा कि सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, कहाँ जाएगा, वो सारा चीज को आपका मेमोरी मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। और थर्ड है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ, आपके कंप्यूटर का में जो एंटी वायरस डाला जाता है, ये जो भी एंटी वायरस रहता है, कोई खील अवश जो भी एंटी वायरस रहता है, वो कैसे काम करेगा या उसका कैसे मैनेज करेगा, उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में हम लोग सिक्योरिटी मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। और फोर्थ है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या है, फाइल मैनेजमेंट में आता है जो भी हम लोग कंप्यूटर में फाइल्स बनाते हैं, जो भी फाइल्स बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, यानी कौन सा फाइल्स, हम लोग कंप्यूटर में जब हम लोग वर्क करते हैं तो उस वर्क को सेव करने के लिए एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर ऑफ फाइल जो बनाते हैं, उस फोल्डर ऑफ फाइल को जो हम लोग क्लिक करके ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, फिर उसमें लिखते हैं, वो सारा चीज आपको फाइल मैनेजमेंट में दिखाता है, ठीक है। अब आता है लास्ट वन, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या हुआ, आपका हार्डवेयर मैनेजमेंट। जैसे हार्डवेयर मैनेजमेंट कहने का अर्थ हुआ आपका कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस कैसे काम करेगा,
माउस या पेरिफेरल डिवाइस का नहीं, जो बाहर से जो डिवाइस कंप्यूटर में हम लोग लगाते हैं उसी डिवाइस को हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस कैसे काम करेगा कंप्यूटर के अंदर, कब 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 वो कैसे, अगर हम लोग कीबोर्ड का यूज करेंगे तो कीबोर्ड में की दाबेंगे तो ए दाबेंगे तो ए कैसे वो प्रिंट करेगा, ये सारा चीज वो कैसे ऑन होगा कैसे ऑफ होगा, ये सारा डिवाइस मैनेजमेंट में ही ये सारा चीज देखने को मिलता है, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट आपका कीबोर्ड माउस को मैनेज करता है, आपको डिवाइस मैनेजमेंट से ही कीबोर्ड और माउस का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में और भी है डिटेल उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, कैसे काम करता है, कब कब ये काम करेगा, तब उस सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल प्रोसेस मैनेजमेंट का आज के नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बतलाएंगे। अगर इस आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग को, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ये कन्फ्यूजन, उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा 100%, ठीक।